हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अविनाश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप फिर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे uidai.gov.in, यहाँ पर जो आ रहा है उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम यहाँ पे आ गए हैं। आपको यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिट्राइव लॉस्ट या फॉरगेटन eID uid, दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों, आधार नंबर और इनरोलमेंट आईडी। आधार नंबर के लिए हम इस पर टिक करेंगे, अगर इनरोलमेंट आईडी चाहिए तो हम इस पर करेंगे। तो चलिए, हमको आधार आईडी चाहिए इसलिए हम आधार नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिसके नाम से आधार कार्ड है उसका नाम डालेंगे इसमें। उसके बाद मोबाइल नंबर दोस्तों डालेंगे, जो आधार कार्ड में मोबाइल लिंक है दोस्तों वही नंबर डालना है, क्योंकि दूसरा नंबर डालने से डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे। दोस्तों, कैप्चा डालने के बाद हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ के आप देख रहे हैं ओटीपी सेंड यू रजिस्ट्रेशन मोबाइल, और यहाँ पे जो मेरा ओटीपी है यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा आधार नंबर है वो हमारे मोबाइल के मैसेज में सेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज सेंट्रल टू एक्सेस आधार ऑनलाइन सर्विस। चलिए, हम आपको मैसेज ओपन करके दिखाते हैं। देख सकते हैं जो मेरा मैसेज है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से आधार नंबर नोट करेंगे और फिर आएंगे आधार के होम साइट पर, और यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ माई आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट आधार है उस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, गेट आधार पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ आ गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड आधार है, हम डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आधार के लिए जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे जो मैसेज में आधार नंबर आया है वो आधार नंबर हम यहाँ पे आधार नंबर का जो है इसमें 12 डिजिट का है वो डालेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आधार नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ आई वांट ए मास्क आधार पे टिक करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा ओटीपी है आ गया है। यहाँ पे हम अपना ओटीपी डालेंगे। उसके बाद यहाँ जो दो ऑप्शन है इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है और पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों, पासवर्ड में हम अपने नाम का जो फर्स्ट का 4 डिजिट है, फर्स्ट का 4 लेटर डालेंगे, और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो डालेंगे। तो चलिए, डाल लेते हैं। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो आधार कार्ड है वो ओपन हो गया है। दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने किसी का भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।